और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहनी है, हमने सबसे कहा था कि आप लोग अपना असाइनमेंट जो जमा करेंगे उसमें सबसे पहले सेक्शन शो होना चाहिए, कि आपका मेल ओपन होने से पहले हमें उसमें आपका सेक्शन पता चल जाना चाहिए कि आप M2 के हैं कि P2 के हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक जिन्होंने सबमिट किया उसमें से 50% लोगों के तो शो हो रहे हैं, 50% लोगों के शो नहीं हो रहे हैं। तो हम एक एक का मेल पहले ओपन करें और फिर उससे अलग अलग करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग अपने असाइनमेंट में सब्जेक्ट में सबसे पहले सेक्शन शो होना चाहिए, सेक्शन, सीरियल नंबर, रोल नंबर और नेम, नेम सबसे लास्ट में, क्योंकि जब तक वो शो नहीं होगा तब तक उसको हम कैसे सेक्शन को अलग अलग करेंगे, और रोल नंबर नहीं होगा तो हम कैसे टिक मार्क करेंगे। एक एक का बार बार ओपन करके थोड़ी ना होता है। हमने सबसे कहा था कि सबसे पहले सेक्शन, सीरियल नंबर, रोल नंबर और नेम, इसलिए वो बहुत टफ जॉब है। इसलिए सब लोग अपने सब्जेक्ट में ये नंबर कि आपका मेल ओपन होने से पहले ये शो होना चाहिए कि आप M2 के हैं कि P2 के हैं, फिर सीरियल नंबर क्या है जो हमने लिस्ट भेजी थी, और फिर रोल नंबर क्या है, और फिर नेम, और जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं है उनको भी सबमिट करना है, ये भी हमने कहा था। सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। मैम वैसे ही किया है। जिसने किया वही तो हमने कहा कि 50% लोगों ने किया है, 50% लोगों ने नहीं किया है। तो ये मैसेज उनके लिए जिन्होंने नहीं किया है तो उसे ठीक करके भेजें, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहे, इतने बच्चों में 150 बच्चे हैं। चलिए, तो हम लोग लास्ट सेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ रहे थे, और कर्वेचर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज करी थी हमने, डिफरेंट फॉर्म में किया था, टेंजेंशियल फॉर्म, इंट्रिंसिक फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड सो ऑन, एंड फाइंड आउट दी लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोर पैरेलल टू दी कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सो ऑन। तब हमें उस पे एक्सरसाइजेस करनी थी। सो था कि फाइंड आउट, ये तो सिंपल ही था कि फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दी ओरिजिन, कर्वेचर एट दी ओरिजिन फॉर दी कर्व, जो भी कर्व हमें यहाँ पे गिवन है, तो हमें टेंजेंट एट ओरिजिन जो था वो फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है कि हम चाहे न्यूटन्स मेथड से फाइंड आउट करें अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो, या फिर हमारे पास जितने मेथड हैं हम पी क्यू से वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसमें इस कार्टिजन कोऑर्डिनेट में जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर थी विच इज 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 बाई d2y/dx2। सो अगर हमें एट ओरिजिन फाइंड आउट करना है तो सिर्फ dy/dx एट ओरिजिन फाइंड आउट करना है, जैसे y माइनस एक्स माइनस 3x² प्लस x³ इक्वल्स टू 0। सो सिर्फ हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, सो फर्स्ट फाइंड दी y माइनस एक्स माइनस 3x² प्लस x³ इक्वल्स टू, सो dy/dx इक्वल्स टू 1 प्लस 6x माइनस 3x² एंड सेकेंड डेरिवेटिव दिस इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6x, सो दिस इंप्लाइज दैट dy/dx at origin, let this be p, so at origin x or y which is equals to 1, and this implies that second derivative at origin this is equals to p, kya ho jayega, this is equals to, so sirf value substitute kar deni hai, this means 1 plus 6 whole square whole to the power 3/2 divided by 6, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, वी गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। नाउ एक क्वेश्चन है कि फाइंड प्रूव दैट फॉर द कर्व s² इक्वल्स टू 8ay, रो इक्वल्स टू 4a रूट 1 माइनस y/2a, s² इक्वल्स टू
एस स्क्वायर इक्वल्स टू 8 ए वाई एंड रो इक्वल्स टू 4 a√1 − y² y/2 a. सो एस स्क्वायर इक्वल्स टू 8 ए वाई के लिए हमें प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाई 4 a√1 − y/a. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम इन जनरल देखें सो दिस इज इक्वल्स टू ds/dψ. अब यहाँ पे कर्व की इक्वेशन जो है हमें रिलेशन है s और y में रिलेशन है. ठीक, तो अगर हम यहाँ से ds अपॉन डी वाई या फाइंड आउट करें डेरिवेटिव ऑफ आर डी एस अपॉन डी एक्स या डी एस अपॉन डी वाई या डी वाई बाई डी एस फाइंड आउट करते हैं तो भी हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल्स डी एस अपॉन डी साई से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अगर हम इसको ये लिखना चाहें, अगर हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, 2s या डी वाई बाई डी साई कर दें, डी एस अपॉन 2s अपॉन डी एस पेन को क्या हो. हेलो, देखिए हुए. देखिए हुए कि नहीं. क्या हो गया, ठीक ठीक बेटा, एक पेन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, बस उसी को देखते हैं. अरे बेटा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, प्लीज वेट करिएगा, पेन में पता नहीं क्या हो गया, ओके मैम. मैम असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? बेटा हमने 4 तक कही थी, आपने अभी तक सबने सबमिट नहीं किया है, तो अभी डेट नहीं आई तो एटलीस्ट 10 तक तो सबमिट, कल परसों तक तो सबमिट कर ही दीजिए सब लोग. हमने तो 4 दी थी लास्ट डेट, लेकिन अभी सबके नहीं आए हैं. यस, वाइवा भी होगा. हाँ और क्या, वाइवा तो 10 मार्क्स का है. हम कब लेंगी? अभी पता चले, अब ऑफलाइन हुआ है तब आपका एक कोर्स खत्म हो जाए, फिर उसमें सब लोग असाइनमेंट जमा कर लेते जाएंगे, उस रोल नंबर तक एक एक दिन में लेते जाएंगे. मैम असाइनमेंट के बेस पर होगा वाइवा? तो उसके अलावा जो भी आपसे पूछा जाएगा उस यूनिट में से हम कहीं से, ठीक है? क्योंकि आप जो वाइवा है अभी तक आपका 5 मार्क्स का था, आपका 10 मार्क्स का है प्रेजेंटेशन जो है, तो उसमें से हम करा के भी देख सकते हैं, मतलब जो मेरी इच्छा होगी हम उसमें से वो करा करा सकते हैं आप लोगों से. अलॉट ये उसी में से वाइवा होगा?
हाँ जो यूनिट अलॉट करी हमने उसी में से हम लेंगे। ओके ठीक है। जब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिए हम देख रहे हैं दूसरा पेन लेके आते हैं देखते हैं। अभी तक लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं। चलिए अब आ रहे हैं। चलिए ठीक मैम। मैम अ चाइल्ड वांट्स टू एंटर। अरे बेटा चलिए सो रो इक्वल्स टू डीएस अपॉन डी साई होता है। हम लोग ने डेरिवेटिव ऑफ आर्क की उसके बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े हुए हैं कि डीएक्स अपॉन डीएस dx upon ds is cos psi and dy by ds equals to sin psi। ठीक। और उन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर के भी बहुत सारे फॉर्म पढ़े हुए हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर एस और साई में रिलेशन गिवन हो तो गिवन बाय दिस थिंग। अब हमारे पास रिलेशन गिवन है एस स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। सो एस स्क्वायर इक्वल्स टू 8ay। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एस। हम इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। सो 2s सॉरी टू एस इज इक्वल टू 8a dy by ds। अब dy by ds 2 कैंसिल दिस इज 4। सो दिस मीन्स s इज इक्वल टू 4a। dy by ds की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन साइ। समझ में आ रहा है सबको एस स्क्वायर इक्वल टू 8y है। हमने इसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और डेरिवेटिव ऑफ आर्क वाले फॉर्मूले डी वाई बाई डी एस जैसे हमने कहा था अगर याद रखने का एक तरीका है कि टेन साई जब आप पढ़ते हैं तो विच इज डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ आर कर रहे हैं। सो दिस मीन्स डी वाई बाई डी एस एंड डी एस। टेन साई का मतलब क्या हुआ साइन साई बाई कॉस साई। तो अपर वाली चीज साइन साई लोअर वाली चीज कॉस साई। ठीक। सो डीवाई बाई डी एस क्या होता है डीवाई बाई डी एस साइन साई। तो डीवाई बाई डी एस की जगह हम साइन साई। तो अब जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या हो गया एस और साई में रिलेशन आ गया। एस और साई में रिलेशन आ गया सो दिस मीन्स रो इक्वल्स टू साई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। डी एस बाई डी साई डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया 4a
cos psi. अब इन्होंने कहा है कि हमें इस रो को इस y के फॉर्म में शो करना है. तो हमने अभी क्या निकाला है कि रो y के फॉर्म में हमें लाना है. तो ds अपॉन d sin, दिस मींस रो इक्वल्स टू हमारा क्या आया, दिस इज इक्वल्स टू 4a cos psi. 4a cos psi को हम क्या लिख सकते हैं, cos psi को हम रूट वन माइनस साइन स्क्वायर साई. रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर साई. इस इक्वेशन से लेट दिस बी इक्वेशन नंबर वन एंड दिस बी टू. सो टू से क्या लिख सकते हैं हम, फोर ए रूट वन माइनस एस स्क्वायर अपॉन 16 ए स्क्वायर. ठीक, एंड दिस इज 4 ए रूट वन माइनस फ्रॉम इक्वेशन वन, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 ए वाई डिवाइडेड बाय 16 ए स्क्वायर. सो 8 टू जा 16, सो दिस मीन्स 4 ए रूट वन माइनस ए इज कैंसिल, दिस इज y बाई टू. ठीक, सो हमें प्रूव करना था कि एस स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई के लिए डिटेल्स ऑफ कर्वेचर इज 4 ए रूट वन माइनस y बाई टू. सो दिस शोज दैट कि डिटेल्स ऑफ कर्वेचर व्हेन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ s एंड y, देन गिवन बाय दिस थिंग. तो हम यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लगे हैं, ds बाई d psi रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए और डेरिवेटिव ऑफ r वाला. तो जितने भी फॉर्मूले हैं अगर वो याद नहीं होंगे तो इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना टफ जॉब है. नाउ प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरल टू द y x टू द एक्सिस ऑफ y फॉर द कर्व y इक्वल्स टू a log sec x upon a. So chord of curvature parallel to the y-axis. So chord of curvature parallel to y-axis kya hai? Chord of curvature parallel to y-axis. Chord of curvature parallel to y axis is equals to 2 rho cos psi. So chord of curvature parallel to y axis is 2 rho cos psi. So this means pehle hame radius of curvature find out karni hai, y equals to a log sec x upon is of constant length. Ye bhi prove karna is of constant length. So 2 rho cos psi. So सबसे पहले तो हम dy by dx find out करेंगे, which is equals to a upon sec x upon a. Sec x को किया तो sec x upon a and tan x upon a. फिर x upon a को किया तो 1 by a is cancel. Sec is cancel, so this is equals to tan x by a. So 10x by a divided by dx equals to 10x by a and d2y by dx2 equals to 10x ko kiya. The second derivative is sec square x by a, but x by a ko kiya 1 by a. Sec square x upon a and this is dy by dx. So dy by dx equals to dy by dx equals to 10 psi. 10 psi means 10 x upon a. So this implies that psi equals to x upon a. Ab radius of curvature find out karni hai. So radius of curvature जब पूरे फॉर्मूले से फाइंड आउट करें कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2
डिवाइडेड बाई टी टू आई फाइव, ठीक सब शूट कर दीजिए, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई एट होल टू दी पावर थ्री बाई टू, सेकेंड डेरिवेटिव इज ए न्यूमरेटर में हो जाएगा एंड दिस इज sec स्क्वायर x बाई ए, इसको सिंप्लीफाई किया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई ए, दिस मीन sec स्क्वायर, sec स्क्वायर किया पावर कैंसिल, सो दिस मीन्स ए sec क्यू एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर एक्स बाई ए, दिस इज कैंसिल एंड दिस इज ए sec x बाई ए, ठीक। अब हम ये शो करना है, दिस मीन्स ये तो केवल निकला आपका रो, अब फाइंड आउट क्या करना है, ऑर्डर ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो ऑर्डर ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ए सेक साई, दिस मीन्स टू इंटू ए सेक, एक्स अपॉन ए को हम साई लिख सकते हैं, दिस मीन्स ए सेक साई हमने निकाला है, दिस मीन्स ए सेक साई इंटू कॉस साई, cos x i, this means equals to 2, so this means the chord of curvature parallel to y axis is 2a which is constant, yahi hame prove karna hai, samajh mein aa raha hai sabko? Hello, yes ma'am, baaki to sab bilkul simple hai ki show that the coordinates of center of curvature of the ellipse x equals to a cos theta y equals to b sin सिर्फ कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग ने फाइंड आउट किए और बीटा सिर्फ यहां पे वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। मैम रेडियस ऑफ कर्वेचर से कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कैसे आई? कल उस लास्ट लेक्चर में सारे प्रूफ कराए थे हमने, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस डिटरमाइन नहीं किया था, फार्मूला बता दीजिए, 2 रो कॉस साई लिखा तो है ऊपर, सबसे पहले कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस इक्वल्स टू कॉस साई, तभी तो उन्होंने रो की वैल्यू निकाली और फिर यहाँ पे सब शूट कर दी, सारी चीजें लास्ट लेक्चर में प्रूफ कराई है, याद है कुछ कि नहीं? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकलवाई नहीं थी, जो भी हमें यहाँ पे जो भी टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट नहीं तो जो भी इससे पास होगी ये सेंटर होगा, अगर नॉर्मल दिस मींस नॉर्मल एक परपेंडिकुलर थी एक एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल कोऑर्डिनेट्स सब निकाले थे हम लोग ने, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, है ना, सब फॉर्मूले निकाले थे तो सिर्फ उस फॉर्मूले में वैल्यू सब शूट कर देनी है, जैसे 11th क्वेश्चन भी सिर्फ पैरामीट्रिक में कि प्रूव दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा बीटा फॉर द कर्व x equals to 3t y equals to t square minus 6 is given by, तो सिर्फ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के हम लोगों ने फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे सिर्फ उसमें वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है, कोई अलग सा क्वेश्चन, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ दिस इज ट्वाइस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द टेंजेंट एट द पॉइंट, this is the chord of kahan gaya question, ha he showed that the radius of curvature at any point of the curve this is twice the perpendicular distance of the origin from the tangent at the point, तो सिर्फ पहले हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे, जो कर्व की इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है, सो इस पैरामीट्रिक फॉर्म में पहले हम कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द सेंटर ऑफ जहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उससे उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पैरामीट्रिक फॉर्म, सो पैरामीट्रिक फॉर्म से हमें मतलब नहीं है, दिस मींस कि हमें केवल यहाँ पर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस मींस dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है, सो पहले हम dy बाई डी एक्स इसका फाइंड आउट करिए क्या रहा है,
दिस इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, एक्स इक्वल्स टू पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू ए टू द पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. सो दिस इज डी एक्स बाई डी थीटा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में है. सो ए इज कॉन्स्टेंट, ई टू द पावर थीटा थीटा माइनस कॉस थीटा एंड प्लस ए ई टू द पावर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. सिंप्लीफाई कर लें, ए ई टू द पावर थीटा कॉमन होगा, क्या क्या आएगा, साइन थीटा ऐड होगा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा. तो दिस मीन्स टू ए टू द पावर थीटा. कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, साइन थीटा एंड यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए टू द पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड प्लस ए टू द पावर थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा. तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल होगा, दिस मीन्स टू ए टू द पावर थीटा कॉस थीटा. तो सिंपल डिवाइड बाय डीएक्स, डिवाइड बाय डीएक्स पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व की इक्वेशन थी, तो डिवाइड बाय डी थीटा एंड डीएक्स बाय डीएक्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ए टू ए टू द पावर थीटा कॉस थीटा and divided by 2a e to the power theta sin theta. So this is cot theta. And second derivative cot theta ka kya hota hai? Minus cos cosec square theta. Minus cosec square theta. Substitute kar dijiye value. So radius of kya pucha hai? Show the radius of curvature. To pehle to radius of curvature find out hi karni hai. 1 plus dy by dx whole square 4 to the power 3 by 2 divided by d2y by dx. This is 1 plus cot square theta 4 to the power 3 by 2 divided by minus cosec square theta. Modulus radius of curvature positive may consider karte hain. So 1 plus cot square theta is cosec square theta. Square theta है तो 2 2 cancel हुआ, this means this is cosec cube theta divided by cosec minus cosec theta. Modulus के form में लेते हैं, this means this is cosec theta. ठीक, ये सारे radius of curvature यहाँ पे हमें show करना है कि show that the radius of curvature at any point of the surface is twice perpendicular. Yeah, is twice the perpendicular distance of the origin from the tangent at that point. This means कि अगर हमने कहीं पे भी radius of curvature ये draw करी, अगर ये इसके polar coordinates हैं, ये कोई point है हमारा P R theta and this is the टेंजेंट, ये ओरिजिन हो गया तो ये थीटा होगा एंड ये रेडियस वेक्टर. ठीक है, कि अगर पी कोई पॉइंट है, हमने पी पे रेडियस ऑफ कर्व, सर्किल ऑफ कर्वेचर है, सेंटर जो है वो सी है एंड सी पी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व दिस पी आर, जो भी एक्स वाई जो भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई आर थीटा का है, अगर एक्स वाई में कोऑर्डिनेट ये गिवन है हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में, इस ट्वाइस द परपेंडिकुलर, इस ट्वाइस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी, यही तो हुआ.
दिस मीन्स ट्वाइस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द टेंजेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द टेंजेंट, दिस मीन्स पी. तो हमें यहाँ पे पी फाइंड आउट करना है, दिस मीन्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. सो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने पीटल फॉर्म में भी पढ़ी है एंड आर डी थीटा बाई डी आर के भी फॉर्म में पढ़ी है. सो दिस मीन्स अगर हमें यहाँ पे ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाती है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू आर साइन फाइ, वेयर दिस इज दिस एंगल इज फाइ. अगर ये एंगल हमारे पास फाइ है so this means equals to sorry length of perpendicular from distance from length twice the perpendicular distance of the origin from the tangent point. So p ab hame rho aur p me relation find out karna hai, this means this is the ओरिजिन से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, सो दिस मींस दिस इज द कर्व ऑफ कर्वेचर थ्रू द होल. टेंजेंट से ड्रॉ करी तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही तो हो रही है, ट्वाइस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन. तो पी कर्व की इक्वेशन कंफ्यूजिंग हुई है, हमारे पास आर है, दिस डिस्टेंस इज नॉर्मल, कुछ मिसिंग है छोटा जैसे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन from the tangent. कुछ मिसिंग है यहाँ पे, p equals to r sin phi. यहाँ पे अगर हम बस डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स मीन्स निकाल लें कुछ यहाँ तक कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉट थी, ठीक है चलिए डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है टेन साई विच इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, दिस मीन्स टेन पाई बाई टू माइनस थ्री, ठीक है तो साई इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस थीटा. एंड रिलेशन हमें यहाँ पे पता है कि अगर ये साई है दिस एंगल इज साई, तो साई इक्वल्स टू क्या होता है एक्सटीरियर एंगल है, तो साई इक्वल्स टू थीटा प्लस, है ना, साई इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई, तो थीटा
कॉस टू थीटा कुछ निकला इससे, और वो क्या था मेरे पास, कॉसेक थीटा। कहीं कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ सही नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेंजेंट, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ गलत कर रहे हैं। ऑन द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन, चलिए हमें लग रहा है कुछ मिसिंग है यहाँ पे, हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है। कुछ मिसिंग है, इक्वल्स टू आर साइन फाइव, अगर हम यहाँ से निकालें तो ये एंगल, ये देखते हैं कुछ हमें लग रहा है हम कोई चीज मिस कर रहे हैं। सो दैट इज ट्वाइस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, वही तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही, क्यों नहीं रिलेशन निकाल पा रहे हैं हम लोग रो और कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम किससे चेंज, सॉरी थीटा हमने क्या निकाला है, जब फाई में निकाले जाए थीटा में निकाले एक ही चीज है, कॉसेक थीटा निकाला और ये क्या निकाल रहे हैं, आर कॉस टू थीटा। चलिए देखेंगे बेटा कहीं पे कुछ मिस हो रहा है हमसे, हमें स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो इसको कल बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट इन एनी कर्व द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, क्वेश्चन नंबर 6, कि शो दैट इन एनी कर्व दैट कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द रेडियस ऑफ वेक्टर। सो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर जो अभी हम लोगों ने, जैसे अभी हम लोगों ने अभी आपको जो फॉर्मूला लिखाया उसमें हमने आपको बताया था कि जो हम लोग कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू, शो दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द रेडियस वेक्टर, तो जो हम लोग ने अभी निकाला था फॉर्मूला, कई सारे जो निकाले थे उसी में से देखिए, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर अगर ये हमारा सर्किल ऑफ कर्वेचर है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक, और ये जो है ये टेंजेंट, अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आर एन थीटा, तो ये एंगल साई, ये एंगल phi एंड दिस एंगल इज psi और ये r, लेट दिस बी o एंड दिस बी t, ये सेंटर है, ठीक। तो दिस इज द सर्किल ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट p ऑफ द गिवन कर्व, टू शो दैट इन एनी कर्व द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द रेडियस वेक्टर। सो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कहां गया, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ये हमारा रेडियस वेक्टर है, ओपी रेडियस वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर लेट दिस बी क्यू, सो हमें कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर फाइंड आउट करना है। एंड दिस इज द सेंटर, तो ये जो है CP जो है वो आपके पास रो है, CP इक्वल्स टू रो, सो हमें ये फाइंड आउट करनी है PQ, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, दिस इज द
कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू दी रेडियस वेक्टर ओ पी, है ना। हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ये एंगल जो है वो थीटा है। अब हमारे पास ये एंगल इतना, ये वाला एंगल फाई है। अब ये नॉर्मल हुई, ये जो सेंटर पे गई है ये नॉर्मल हुई, तो ये एंगल कितना हो गया, ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाइव। अब ये 90 माइनस फाइव हुआ, ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सो 90 माइनस फाइव, दिस मीन दिस इज आल्सो 90 माइनस 90 माइनस 5, सो दिस मीन दिस एंगल इज 5। तो अब हमारे पास इस एंगल में हमें ये पता है रो, और हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। सो दिस मीन्स हमें फाइव पता है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ पर मालूम है। तो हमें अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो सिर्फ जो हम लोगों ने ट्रायंगल कंसीडर किया है उस ट्रायंगल में, दिस इज इन दिस ट्रायंगल एट पी क्यू, इसको अगर हम आर कह दें, ठीक। सो दिस मीन्स इन ट्रायंगल दिस, तो इस ट्रायंगल में हाफ सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल, ये 90 डिग्री ट्रायंगल हुआ। सो दिस मीन्स दिस इज टू, ये बेस हो गया, सो दिस मीन्स ये पूरी कॉस साई, सो दिस मीन्स ये क्या हो गया, द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, तो ये क्या हो गया, टू रो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, टू रो कॉस फाइव, दिस इज इक्वल टू टू रो कॉस फाइव। अभी अगर तो हमें शो करना है दिस इज टू रो रूट, तो कॉस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज टू रो कॉस फाइव इज वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और हमें पी के टर्म्स में निकालना है, सो टू रो रूट पी इक्वल्स टू आर साइन फाइव, हमें पता है पी डेल इक्वेशन में, तो साइन फाइव की जगह साइन स्क्वायर पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सो दिस मीन्स टू रो बाई आर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमें ये चीज निकालनी थी, इसमें पी क्यू निकालनी थी, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पर पेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर विच इज इक्वल टू रो बाई आर, अगर हमें ये मालूम है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज टू रो कॉस फाइव। बाकी तो कोई क्वेश्चन, तो कोई सिंपल है कि द टेंजेंट ऑफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑफ द सर्कल एट दिस एट राइट एंगल, इफ रोवन नोटिस द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी एंड क्यू देन शो दैट, ये भी वही चीज है, इफ रोवन नोटिस द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ दिस व्हिच पासस थ्रू द पोल देन शो दैट, दिस इज इसी का नेक्स्ट पार्ट है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि सब लोग किसी को भी कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, दिस इज देखिए, जैसे ये था इसी फॉर्मूले में एक हिंट दे रहे हैं, कैलकुलेट आप लोग करिएगा कि इफ सी आर एंड सी थीटा, इफ सी आर and c theta be the chord of curvature, chord of curvature of the cardioid r equals to 1 plus cos theta, r equals to a 1 plus cos theta through the pole and perpendicular to the radius vector, then show that 3 cr square plus c theta square equals to 8 a cr। तो जहाँ पे सी आर एंड सी थीटा, सी एंड सी आर थीटा विद द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर ऑफ द कार्डियोइड, दिस
थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर. सो जो अभी हम लोग ने ये डायग्राम बनाया है, दिस मीन्स थ्रू द पोल ये, ठीक, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर. दिस मीन्स अगर ये हम ए कह लें तो ये कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल एंड कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू दिस. तो अगर इस ट्रैंगल में अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सो दिस मीन्स जो भी हमारे कर्व है कॉर्ड ऑफ कर, सॉरी अब ये टेंजेंट टच करता हुआ ही मान के चलिए, दिस इज टेंजेंट. सो अगर इसके कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा हैं, सो ओ कह दें दिस इज ए एंड दिस इज पी, आर एंड थीटा. सो ए पी इज द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, दिस मीन्स कॉर्ड ऑफ कर्वेचर जो हम लोग निकाल भी चुके हैं, कर्वेचर थ्रू द पोल विच इज एंड विच इज इक्वल्स टू ए पी एंड कॉर्ड ऑफ कर्वेचर एंड कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर. सो परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर है, ओ पी जो है वो रेडियस वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर पी क्यू. अब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है विच इज इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक. तो अब ये जो है ये हमारा सेंटर है, दिस इज सी. तो ये ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा और ये भी हाफ सर्कल में बने हुए ट्रायंगल 90 डिग्री होते हैं और ये पूरा जो है ये टूर होगा. सो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लेंगे तो हमें पता है ये एंगल फाई, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज साई. हमने कैलकुलेट किया था कि ये भी एंगल फाई आया था, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये भी एंगल फाई आया था. तो हम देखें तो परपेंडिकुलर ही हैं. सो दिस मीन्स ए पी क्या आया था, टू रो साइन फाई एंड पी क्यू इज टू रो कॉस फाई. तो हमें ये प्रूव करना है, दिस मीन्स कि पहले सी आर, दिस इज इक्वल्स टू सी आर एंड दिस इज इक्वल्स टू सी थीटा परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर. तो रो दिस मीन्स कि आर गिवन है तो हम फाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस मीन्स टेन फाई इक्वल्स टू आर टी थीटा बाई डी आर. और पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर 4 to the power 3/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस टू डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस डी टू आर बाई डी थीटा टू. तो यहाँ से हम रो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, करके इक्वेशन हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, यहाँ से हम फाई की वैल्यू सब फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों पे की जगह पे सब शूट करेंगे और फिर सी आर स्क्वायर थीटा प्लस सी थीटा स्क्वायर को प्रूव करेंगे, दिस इज इक्वल टू 8a c r. तो मेन यहाँ पे यही है कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल क्या होगा और कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस फैक्टर क्या. समझ में आया है सबको? यस मैम. कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? तो कल इसी टाइम पे क्लास फिर से होगी. ओके मैम. इसी टाइम पे. और आप लोग को जो हमने असाइनमेंट के लिए सब्जेक्ट क्या है वो सब बिल्कुल सही, अपना सेक्शन सबसे पहले उसमें मेंशन प्लीज, क्योंकि हर एक का ओपन करें उसके बाद पेज पढ़ें वो पॉसिबल नहीं है, सबको सेपरेट करने में और सबको ओपन करने में उसी में हमें इजी पड़ता है, ठीक. तो आपको सब्जेक्ट सिर्फ चेंज करना है उसमें. और दूसरी चीज कि 10 लास्ट डेट है, ठीक. तो इस 10 के हम कह रहे हैं चलिए इस वीक भी सब लोग सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद फिर अगर हमें नंबर एक बार हमने भेज दिए फिर मेरे हाथ से बात निकल जाएगी, फिर आपको HOD से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा,
नहीं, दोबारा क्यों भेजेंगे? आपने लिखा नहीं है? नहीं, जिन्होंने सही लिखा उनके लिए, कोई जिन्होंने नहीं भेजा उनको भेजना है, दोबारा क्यों भेजना है? सबके असाइनमेंट एक ही टाइम सबमिट होना है, और जब प्रेजेंटेशन होगा तो हम बताते जाएंगे, थोड़े थोड़े लोगों को बुलाते जाएंगे, एक साथ सबको नहीं बुलाएंगे। ठीक, मैम, हमने रोल नंबर ही लिखा है और सेक्शन लिखा है। तो सेक्शन मेन है, सेक्शन क्यों नहीं लिखा? सेक्शन मेन है, मैम ओपन सेक्शन की लिखा है। सेक्शन, रोल नंबर, नेम सब लिखा है कि नहीं? ठीक यस मैम लिखा है। है, सीरियल तो नंबर लिख, नहीं लिखा मैम। कोई बात नहीं, वो हम सर्च कर लेंगे, लेकिन लिखा रहता है तो उसमें हमें आसानी, अगर आप नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।